शाम कम हो गई। अभी तो घूमने चलो ना पापा। चलते चलते तलते तलते थक गई। कंधे पर बिठा लो ना पापा। अंधेरे तो डर लगता। सीने से लगा लो ना पापा। मम्मी तो थो गई। आप ही सुला लो ना पापा। स्कूल तो पूरा हो गया। कॉलेज जाने दो ना पापा। पाल आज पोस के बड़ा किया। अब जुदा तो मत करो ना पापा। अब डोली में बिठा दिया। आंसू तो मत बहाओ ना पापा। आपकी मुस्कान अच्छी है। मुस्कुराते रहो ना पापा। इस धरती पर खोज नहीं होती है बेटियाँ। दुनिया को समझाओ ना पापा। दुनिया को समझाओ ना पापा। अरे बेटा सुन। जी सर। कल आप आपके मम्मी पापा को लेकर आना, नहीं तो क्लास में बैठने नहीं दूंगा। और उनको बोलना कि 3 महीने की फीस भी भरे। ठीक है सर। ये कहाँ जा रही है? मम्मी पापा उठो ना, सर ने स्कूल में बुलाया है। अगर आप नहीं आए तो मुझे स्कूल में नहीं बैठने देंगे। उठो ना मम्मी, उठो ना पापा। सर मेरे मम्मी पापा को उठा दो ना। ये वीडियो पर कितने स्टार दोगे? मम्मा बचपन ही अच्छा था यार। अब तो सब लोग मुझे सताते हैं। पहले मेरा बनते हैं, फिर मेरी कमजोरी जानते हैं, फिर दूसरों को जाकर बताते हैं। ये दुनिया बहुत दोगली है मम्मा। जब आपकी गोदी से इस दुनिया को देखा था तब इतनी सुनहरी इतनी सुंदर लगी थी कि मेरा मन करता था कब मैं आपकी गोदी से उतरूंगा, कब अपने पैरों पर चलूंगा और कब इस दुनिया को देखूंगा। लेकिन अब जब चल रहा हूँ ना तो एक एक कदम पर मुझे सौ सौ कांटे चुभ रहे हैं। एक एक कदम पर मुझे ये एहसास हो रहा है कि असली सुकून तो आपकी गोदी में ही था। मुझे लगा था कि मैं इस दुनिया को अपने प्यार से जीत लूंगा, लेकिन नहीं। मैं ये कैसे भूल गया कि ये दुनिया माँ बाप जैसी नहीं होती है। इस दुनिया में हर रिश्ते का आपसे एक मतलब होता है। मैं ये क्यों भूल गया कि माँ बाप के अलावा आपको इस दुनिया में कोई निस्वार्थ प्यार नहीं करता है। कोई आपको अपने एक लड़का था, लड़की से शादी हो गई। लड़के का पिता अकेला था, मम्मी नहीं थी उसकी, माँ नहीं थी। तो जो बहू आई थी उसने कहा मैं आपके पिताजी की सेवा नहीं कर सकती, इनकी व्यवस्था कहीं और कर दो। लड़के ने बोला अरे तू क्या बोल रही है, मेरा पिता है, मुझे पाला है, पोसा है, बड़ा किया है। 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, लड़की ने फिर बोला मैं आपके पिताजी की सेवा नहीं कर सकती, इनको कहीं और रख लो। अरे तू क्या कह रही है, उनके कंधों पे जो घाव है ये मुझको उठाने से ही हुए हैं, तू क्या कह रही है। और 5वें साल तक आते आते झंडा गाड़ दिया, या तो तेरा पिता को चुन या मुझे चुन, दोनों में से एक चुन। लड़की की हालत रुआसी हो गई। वो 12 बजे रात को उठा और अपने पिताजी को बोला पिताजी चलो घूमने चलते हैं। पिताजी को लिया और दूर जंगल में, और जंगल के बीच में बोला बस पिताजी आपका मेरा साथ यहीं तक था, अगर आपको रखता हूं तो वो मेरे को छोड़ के जाती है।